बिहार के खगड़िया को बाढ़ के शहर का नाम से पूरा राज्य जानता है और सरकार भी ये जानती है कि यहाँ के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है और शासन ये दावा भी करती है कि बाढ़ से बचाव के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम खगड़िया नेशनल हाईवे पे इस वक्त मौजूद है और यहाँ कई अधिकारी जो हैं बाढ़ से बचाव के लिए जो है कार्य करने का दावा कर रहे हैं। स्थानीय बाढ़ पीड़ित हैं और यहाँ के लोगों की जो समस्या है हम इनसे जानने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ? अरे हमारा तो घर उस पार है। हम मुंगेर के हैं। यहाँ किस लिए आए? यहाँ माल उल छोंक रहे हैं, कर कुटुम आदमी डूब रहा। आपके रिश्तेदार बाढ़ में? हाँ। आपका क्या? कोई देखने वाला है ये नहीं है। अरे जिला प्रशासन अभी तक ध्यान दिया है कोई चीज पर? कोई चीज आज तक जा रहा है वही पर? अभी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मार्केट करने के लिए गाय गोरु जितना है सब छांक करके आ रहा है। सुरक्षित स्थान पर? सुरक्षित स्थान पर। यहाँ के जो यहाँ के लोग जो है बाढ़ पीड़ित जो है सूखे स्थान पर जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो दावा है वो दावा एक और रहेगा और दूसरी ओर जो बात की जाए तो यहाँ के लोगों को मदद जो है सरकारी स्तर से कुछ हद तक हो रही है। यहाँ पर जो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित अपने गंतव्य स्थान की ओर आने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो सरकारी स्तर से हो रही है सहायता क्या कुछ हम जानते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? उदय मंडल। सरकारी स्तर से क्या कुछ मदद मिली है? क्या पन्नी मिला? मदद पन्नी मिला? भोजन की व्यवस्था हुई? कुछ ना। आपके घर में कितना पानी है? पानी अभी है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? पूरा सामान गाड़ी घर कहाँ पे जा रहे हैं? अभी घर जाएंगे फिर लौट के। यानी सुरक्षित स्थान पे? हाँ। जो पलायन का दर्द अगर समझना हो तो खगड़िया आइए। दरअसल ये वो इस इलाके के लोगों का पलायन का दर्द हर साल सहना पड़ता है और शासन के दावे हैं वो भी यहाँ के लोग हर साल सुनते हैं कि बदलाव होगा बचाया जाएगा। आप जब अधिकारी आते क्या बोलते हैं कि बाढ़ से पुल? हमको चाहिए रोड और पुल चाहिए और क्या चाहिए? तब न सुरेंद्र लाल डूब जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यानी पुल रहता तो बच जाते? बिल्कुल। अगर पुल रोड रहता तो क्यों इतना नाव पर 20-20 गो नाव पर चलता उलता है? पुल चाहिए रोड चाहिए। यहाँ के लोगों को बाढ़ पीड़ितों क्योंकि बात अगर सुनी जाए तो के हर लोगों को अलग अलग समस्याएं हैं। डूब जाए हाँ मर जाए तो अच्छा कौन होगा? क्या नाम हुआ आपका? रंजीत पास। अच्छा ये बताइए आप किस गांव के रहने वाले हैं? कनिया तिराज। ये कनिया तिराज खगड़िया सदर मुख्यालय का प्रखंड है। हाँ। और हर साल आपको बाढ़ का दर्द होता है? हर साल बाढ़ होता है। अच्छा बचाव के लिए कुछ कार्य हुआ है कभी? कुछ नहीं अभी हुआ। क्या करता है? कुछ नहीं करता। अब हर साल सुरक्षित स्थान पर जाते कितने दिनों घर से बाहर रहना पड़ता है? दो महीना डेढ़ महीना रहना। उसके बाद घर बचता है कि घर पूरा तबाह? घर भी गिर जाता है। खगड़िया के लोगों के दर्द को अगर समझ सके तो बाढ़ का कहर आप समझ जाएंगे। खगड़िया से लोकल 18 के लिए नीरज कुमार।